हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि जब भी मैं अपनी नई वीडियो डालूं आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए ऐसी रेमेडी लेकर आई हूँ, आप एकदम से अपने गोरी स्किन पा सकते हैं। फ्रेंड्स, गोरा और सुंदर दिखने की इच्छा सभी की होती है। गोरा होने के लिए हम कई तरह के रासायनिक पदार्थों से युक्त उत्पादों का उपयोग करते हैं, जिनसे कुछ समय के लिए तो गोरा हुआ जा सकता है, लेकिन उनसे दुष्प्रभाव होने का खतरा काफी ज्यादा होता है। घरेलू और प्राकृतिक नुस्खों के जरिए भी गोरी स्किन पाई जा सकती है, लेकिन इनसे उचित परिणाम पाने के लिए हमें धैर्य और समय देने की जरूरत होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको बनाने स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि कोई वीडियो आप हमारी मिस ना कर पाएं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पे कुछ चावल लिए हैं, आपको भी ऐसे चावल लेने हैं जो किसी बिना केमिकल के बनाए गए हों। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे 2 चम्मच चावल लिए हैं। अब हमें क्या करना है, हमें इसके अंदर पानी डालना है। पानी डालने के बाद हमें इनको बॉइल करना है। फ्रेंड्स, हमने इसके अंदर पानी डाल लिया है, लेकिन हमें इन चावलों को अच्छे से धोना है। उसके बाद हम इसके अंदर साफ पानी डालकर इसको अच्छे से बॉइल करेंगे। फर्स्ट स्टेप जो हमें करना है वो करना है हमें क्लींजिंग। फ्रेंड्स, क्लींजिंग के लिए हमें सबसे पहले चाहिए 1 चम्मच चावल का आटा। अब हमें इसमें चाहिए 1/2 चम्मच कर्ड यानी कि दही। अब इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, क्लींजर हमारा तैयार है। आप देख सकते हैं कि एक वाइट क्रीम की तरह हमारा क्लींजर बन चुका है। अब मैं आपको इसको अप्लाई करके दिखाती हूँ कि आपको इसे किस तरह से अप्लाई करना है। आपको इसे 5 मिनट तक अपने फेस पर रब करना है, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। आप इसको शादी या पार्टी में जाने से पहले भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, 5 मिनट हो चुके हैं, मैं अपने हाथ को वॉश कर लेती हूँ सादे पानी से। तो चलिए फ्रेंड्स, अब अपना नेक्स्ट स्टेप तैयार करते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे हमें क्या चाहिए, चावल को पानी के अंदर अच्छे से बॉईल करके, जब वो चावल बॉईल हो जाए अच्छे से, तो हमें उन चावलों को निकालकर, खाली चावल चावल को निकालकर हमें उनको मिक्सी के अंदर ग्राइंडर करना है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमने पहले से ही यहाँ पे ये चावल जो है ग्राइंडर करके रखे हुए हैं। अब हमें 1 चम्मच चावल लेने हैं और 1 टेबल स्पून हमें हनी इसमें ऐड करना है। आप कोई भी हनी ले सकते हैं। स्पून हमें इसके अंदर कर्ड यानी कि दही लेनी है। तो अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, ये हमारा स्क्रब तैयार हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये जो सारा सामान इसके अंदर मैं जो ऐड कर रही हूँ, सब सामान इसके अंदर वाइट है और आपकी स्किन भी इसको इस्तेमाल करने के बाद बिल्कुल वाइट जैसी हो जाएगी। तो चलिए, स्क्रब हमारा तैयार है, मैं आपको इसे अप्लाई करके दिखा देती हूँ। आपको इसे 4 से 3 मिनट के लिए अप्लाई करना है। फ्रेंड्स, अगर आपके पोर्स में गंदगी भरी होगी तो ये उसे भी रिमूव करेगा और फेस पर छोटे छोटे कील होंगे उन्हें भी साफ कर देगा। अगर आप इसको डेली यूज करेंगे तो आप फेस पर 1 हफ्ते के अंदर अंदर इतना अच्छा ग्लो आएगा, बहुत ही अच्छा आपके फेस पर ग्लो आएगा। तो फ्रेंड्स, 4 मिनट हो चुके हैं, अब मैं अपने हाथ को वॉश कर लेती हूँ सादे पानी से। अब फ्रेंड्स, हमें अपना लास्ट स्टेप जो करना है वो करना है हमें पैक। तो पैक के लिए हमें इसमें चाहिए 1 चम्मच ग्राइंडर किया हुआ चावल जो हमने बॉईल करके रखा हुआ था, 1 चम्मच चाहिए हमें सैंडल पाउडर, 1 चम्मच चाहिए हमें इसमें एलोवेरा जेल। तो फ्रेंड्स, अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ये पैक हमारा तैयार है। अब इसको मैं आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ, बहुत अच्छा ग्लो आएगा फ्रेंड्स इसको अप्लाई करने पर। आप एलोवेरा जेल कोई भी ले सकते हैं, अगर जो आप यूज़ करते हैं आप उसे भी ले सकते हैं, या पतंजलि एलोवेरा जेल भी आप ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने इसको अप्लाई कर लिया है। अब मैं इसको 15 मिनट के लिए इसी तरह लगे रहने दूंगी, उसके बाद सादे पानी से धो लूंगी। तो फ्रेंड्स, 15 मिनट हो चुके हैं, मैं अपने हाथ को सादे पानी से धो लेती हूँ। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कितना अच्छा ग्लो मेरे हाथ पर एक ही बार में ही आ गया है, बहुत अच्छा फेशियल है ये। आप इसको ट्राई करेंगे तो आपके फेस पर भी इसी तरह का ग्लो आने वाला है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कितना अच्छा ग्लो मेरे हाथ पर आया, प्लीज आप इसे एक बार जरूर ट्राई कीजिए और आप भी अपने फेस पर इसी तरह का ग्लो पाइए। तो फ्रेंड्स, आपको इसे किस तरह अप्लाई करना है और कब अप्लाई करना है ये मैं आपको बता देती हूँ। फ्रेंड्स, आपको इसी तरह अप्लाई करना है जिस तरह से मैंने इसको अप्लाई करके दिखाया आपको। आप चाहे तो इसे रेगुलरली यूज कर सकते हैं या फिर वीक में आप इसे 4 से 5 बार भी यूज कर सकते हैं। आप देखेंगे कि आपके फेस पर 1 हफ्ते में इतना अच्छा ग्लो आ जाएगा, इतना अच्छा ग्लो आ जाएगा कि आप खुद को देखते रह जाएंगे। क्योंकि इसके अंदर चावल का मिश्रण जो है हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं। चावल जो हमारी स्किन से कालेपन को हटाता है, सनटैन को हटाता है और बहुत अच्छा इंस्टेंट ग्लो लेकर आता है हमारे फेस पर। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी रेमेडी। आई होप आपको पसंद आएगी। तो प्लीज सबसे लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिए एंड सबसे ज्यादा इसे शेयर कीजिए उन लोगों को जिनको इनकी जरूरत है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और इस बेल आइकन को भी दबा दीजिए जिससे कोई वीडियो हमारी मिस ना कर पाए। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।